हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ जो आपके सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, हिस्ट्री साइंस व जीके की नई नई वीडियो डेली लाता रहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी लोगों का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर ए सुमेरिया, बी मिस्र, सी चीनी, डी मोसोपोटामिया। तो ऑप्शन नंबर ए सुमेरिया। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु। अपना अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस राज्य वंश से था? तो ऑप्शन नंबर ए लोधी, बी चौहान वंश, सी चंदेल वंश, डी परमार वंश। तो ऑप्शन नंबर बी चौहान वंश। अपना अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप, बी महा प्रजापति गौतमी, सी बिंबा, डी महामाया। तो ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। अपना अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जनात्रिका, बी शाक्य, सी सलास, डी लिच्छवी। तो ऑप्शन नंबर ए जनात्रिका। अपना अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कैवल्य, बी धर्म ज्ञानी, सी धर्म पूर्ण, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कैवल्य। अपना अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी वर्धन वंश, डी चौहान वंश। तो ऑप्शन नंबर बी नंद वंश। अपना अगला प्रश्न है, पौरुष व सिकंदर के मध्य युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए चेनाब, बी झेलम, सी सिंधु, डी रावी। तो ऑप्शन नंबर बी झेलम। अपना अगला प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किस शासक ने जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, बी सम्राट अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अपना अगला प्रश्न है, मुरुगन देवता की उपासना किसने सबसे पहले शुरू की? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलो, सी राजपूतो, डी मराठाओ। तो ऑप्शन नंबर बी तमिलो। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए यूनानियों, बी ईरानियों, सी मौर्य, डी गुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए यूनानियों। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी कुशीनगर, सी अवंतिका, डी पाटलिपुत्रा। तो अपना ऑप्शन नंबर श्री अवंतिका। अपना अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, बी मौर्य, सी गुप्त, डी वर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए कनिक। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ, बी उल्लवी, सी अमीर खुसरो, डी कलीमुल्लाह। तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ। अपना अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल। अपना अगला प्रश्न है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, बी मगध, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। अपना अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन कहाँ पर सक्रिय था? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश,
सी बिहार, डी बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी बंगाल। अपना अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरे। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी किस दिन दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931, 25 मार्च 1931, सी 24 मार्च 1931, डी 26 मार्च 1931। तो ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931। अपना अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका था, किसका सॉरी किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी माउंटबेटन, सी विलियम डेनिसन, डी द लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्ना का। अपना अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अकबर, सी मोहम्मद गोरी, डी इब्राहिम। तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। अपना अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, बी उत्तवी, सी अलबरूनी, डी कली मुल्ला। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तवी। अपना अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए मुगल व मराठा, मुगल व अंग्रेज, सी अंग्रेज व मराठा, डी अंग्रेज व फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज व फ्रांसीसी। अपना अगला प्रश्न है, पहली बार किस शासक के मकबरे में दो गुंबदों का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी बाबर, सी शेरशाह, डी सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। अपना अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए तंत्र मंत्र पर, बी शास्त्र पर, सी ज्ञान पर, डी दर्शन पर। तो ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।